तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं यहाँ दीपांशु भारती अपने चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए आज फिर से एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। ये ट्रिक सबके लिए यूजफुल है, और जैसे कि हम हैकिंग ट्रिक्स सीखना चाहते हैं उसके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल है। तो देखते रहिए वीडियो, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम किसी भी लैपटॉप या पीसी के विंडो के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं बिना पुराने पासवर्ड को जाने। अब आप कभी भी अपना पासवर्ड चेंज करने जाएंगे तो उस समय आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको पुराना पासवर्ड भी इनपुट करना पड़ेगा। पर मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप बिना पुराना पासवर्ड डाले न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर में मैनेज में जाना होगा। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपका मैनेजमेंट ऑप्शन जो होता है अब पीसी में अवेलेबल होता है वो अभी खुल जाएगा थोड़ी देर में। ये खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके कंप्यूटर के हिसाब से होता है, जैसा का आपका कंप्यूटर उस हिसाब से। तो ये अभी स्लो चल, ये कंप्यूटर अभी ज़्यादा हाई फाई नहीं है तो अभी थोड़ा स्लोली खुल रहा है। तो ये देख सकते हैं अब आपका खुल चुका है कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ से आप अब आपको जाना है दूसरे जगह, यहाँ पे जाना है आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे इस पे राइट इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। इस पे हमें यूजर जो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन, इस पे हमें क्लिक करना है। यूजर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने भी यूजर अकाउंट है इस पीसी या लैपटॉप में वह यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक अकाउंट होता है जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पहले से मिलता है। हर पीसी या विंडो में पहले से एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जो कि कंप्यूटर का होता है स्पेशली, उसे हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये वही अकाउंट है, और ये गेस्ट अकाउंट एक दूसरा है जो कि हम कभी क्रिएट कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेनोवो नाम से जो अकाउंट आ रहा है ये अभी अकाउंट है जो मैं अभी इसमें यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ जो वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पासवर्ड डाल के मैं क्या पासवर्ड डाल रहा हूँ, फिर उसको चेंज करूंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ पासवर्ड। तो चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले करेंट पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, और तब करेंट पासवर्ड अगर आप इंटर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं करेंट अकाउंट पासवर्ड डाल दे चुका हूँ, और अभी जो अभी मुझे पासवर्ड रखना है वो भी मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पे मैं जो पासवर्ड डाला हूँ अभी वाला वो है 9211438। अभी आप देख सकते हैं ये 8 डिजिट का, 8 डिजिट का ये टोटल। और मैं आपको जब पासवर्ड वहाँ से चेंज करूँगा ये कंप्यूटर मैनेजमेंट से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैं 10 डिजिट का रखूँगा जिससे कि आपको पता चले कि हाँ चेंज हो चुका है। तो दोबारा से मैं वही पासवर्ड डाल रहा हूँ 9211438, और अब मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि हमें अगर नया पासवर्ड लगा चेंज करना हो दूसरा, मतलब अगर जो हमारा जो पासवर्ड है उसे हमें चेंज करना, तो हमें पुराना पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया पासवर्ड है यहाँ पे 9211438। अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट खोला था वहां पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला था लेनोवो जो अभी अकाउंट ओपन है वो है, तो हमें करना ये है जो हमारा अकाउंट है जिसका ही पासवर्ड हमें चेंज करना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, इससे हमें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे बिना पढ़े प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा था अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना ओल्ड पासवर्ड मांगे यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं 10 डिजिट का डालूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ 10 डिजिट का, या 10 वर्ड का डाल देता हूँ।
मैं टेक्स सॉल्यूशन ही डाल देता हूँ पासवर्ड, TECH टेक स्पेस सॉल्यूशन। ये देख सकते हैं, मुझे लगता है ये 10 वर्ड से भी ज्यादा हो चुका है। और आप ओके पे अब क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप मैसेज देख सकते हैं, आ चुका है द पासवर्ड हैज बीन सेट, मतलब अब जो आपका पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ से मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं दोबारा से कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ, यूजर अकाउंट में। यूजर अकाउंट में जाने के बाद अब मैं दोबारा से पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। पासवर्ड चेंज करने के लिए अब हमें करेंट पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो करेंट पासवर्ड में टेक्स सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, TECH स्पेस SOLUTION। अभी आप देख सकते हैं, मैं वहां जब यहाँ से मैंने पासवर्ड चेंज किया था यहाँ से, तो उससे मैंने 9211 8 डिजिट का पासवर्ड रखा था। पर आप ये देख सकते हैं, अब ज्यादा डिजिट का हो चुका है, जो कि मैंने वहां से चेंज किया है कंप्यूटर मैनेजमेंट से। न्यू पासवर्ड में वही 9211 4308 वाला डाल देता हूँ। और मैं यस चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज हो चुका है। अगर वो पासवर्ड गलत दिखाता, ओल्ड पासवर्ड गलत होता, तो ये चेंज नहीं हो पाता। पर या ये पासवर्ड बिल्कुल सही था, इसलिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या यूजफुल लगा हो ये वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये चैनल टेक्स सॉल्यूशन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज या फिर कभी कभी शायद नहीं, हर रोज आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, जो कि ऐसे ही टेक्स सॉल्यूशन से टेक्स से रिलेटेड होगा, और ऐसे ही आपके लिए यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।